केसीआर तेरी सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आज पूरे तेलंगाना के अंदर जन आक्रोश है। ये जन आक्रोश घृणा में बदल चुका है। केसीआर के परिवारवाद के खिलाफ, केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, केसीआर के अहंकार के खिलाफ आज तेलंगाना की जनता सड़कों पर है। तेलंगाना का युवा, तेलंगाना का किसान, तेलंगाना का आम नागरिक, तेलंगाना की महिलाएं, हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी केसीआर शासन से मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। हालात क्या है? वो मेरा तेलंगाना जिसको बंगारू तेलंगाना बनाने का सपना दिया था, वो सपना आज टूट गया। कई कई दिन तनख्वाह नहीं मिल रही, कर्मचारी सड़कों पर है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ गया? मैं पूछना चाहता हूं, ये कुटुंब की सरकार, ये परिवारवाद की सरकार, भाई भतीजावाद, माँ बेटावाद, बहन भाईवाद, पूरे तेलंगाना के खजाने को केसीआर के कुटुंब ने लूट लिया। आज हालात ये बन गए कि पूरी की पूरी सरकार लकवाग्रस्त है, किसानों का शोषण हो रहा है। लगभग 60 सरपंचों ने आत्महत्या की। पैसा नहीं है किसानों के पास, चावल उठा नहीं पा रही सरकार, और 33 लाख किसानों को भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सम्मान निधि दिल्ली से भेजी। आज यहाँ के हालात ये बता रहे हैं कि केसीआर साहेब, आपके कुशासन के कारण आज यहाँ शिक्षा का स्तर गिर चुका है। तेलंगाना के नौजवान भटक रहे हैं। लगभग 35,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े, 35,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। केसीआर साहब, स्कूल तो है, कॉलेज तो है, लेकिन पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। मैं आपसे कहने आया हूं, 4 महीने रह गए केसीआर साहेब, रिटायरमेंट की प्लानिंग तो आपने टीआरएस को पीआरएस बना के कर ही ली है। अब आपके रिटायरमेंट का समय आ गया, अब जाने का समय आ गया। केसीआर साहेब, तेलंगाना की जिन जनता, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर कहने को तैयार बैठे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने पल पल गरीबों के लिए जिया है, पल पल गरीबों के लिए काम किया है। इसलिए मैं डंके की चोट में कहता हूं कि आज 11 करोड़ किसानों के घर में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। आज देश के अंदर 3.5 करोड़ घर गरीबों को दिए जा चुके हैं, आपकी तरह झूठे लारे नहीं लगाए। आज देश के अंदर 11 करोड़ 66 लाख घरों में पीने के पानी की पाइप पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के गरीब के लिए काम हुआ है, गरीबी के खिलाफ काम हुआ। इसलिए पूरा देश मोदी जी से प्यार करता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और चाहे विश्व के अंदर कोई भी पॉलिसी लानी हो, भारत की धमक, नरेंद्र मोदी जी की धमक सब तरफ दिख रही है। एक जमाना था कि भारत अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था। केसीआर साहेब, आपकी तरह तेलंगाना को कर्जाग्रस्त नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी का शासन है, नरेंद्र मोदी जी ने पल पल अपना इस देश की तरक्की के लिए लगाया। आज
भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बनाया है, दसवीं अर्थव्यवस्था से निकलकर पांचवें नंबर पर पहुंचा है। और ग्रेट ब्रिटेन जिसने हम पर 250 साल राज किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बनता है। क्योंकि आप तो व्यस्त हैं, आपका परिवार व्यस्त है शराब माफिया के साथ, शराब माफिया के साथ पूरा परिवार मस्त है, केसीआर मस्त है और पूरी की पूरी सरकार अस्त है। अरे दिल्ली तक, तेलंगाना छोड़ो, दिल्ली तक ये शराब माफिया का नेक्सस, 7 स्टार होटल में जनता को लूटने की प्लानिंग, पूरी दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये केसीआर की लूट का शासन पहुंच चुका। और हालात ये है कि यहां साक्षरता की दर गिर रही है, हॉस्पिटल्स हैं लेकिन केसीआर साहब आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, लगभग 30,000 हेल्थ वॉलंटियर्स कर्मचारियों के पद आज खाली पड़े, पूरी की पूरी सरकार ना डॉक्टर है ना हॉस्पिटल है ना टीचर है। और महिलाओं के उत्पीड़न में भी केसीआर के शासन ने एक रिकॉर्ड बनाया, महिला उत्पीड़न में आज देश की जो दर है, अगर मैं पोस्को मामलों की बात करूं पूरा देश 28% पर है, मेरे तेलंगाना को 36% तक केसीआर के कुशासन में पहुंचा। आज राजनीतिक विफलताओं का दौर है, केसीआर सरकार को तंत्र विद्या के द्वारा चलाया जा रहा है, तांत्रिक की तरह चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहेब, आप आज तक दफ्तर क्यों नहीं गए, मुख्यमंत्री का सचिवालय क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि आपको सचिवालय जाने से डर लग रहा है? अब समय आ गया रिटायरमेंट का, अब जाने का समय आ गया, आपका जादू टोना, आपका तंत्रवाद अब तेलंगाना के ऊपर चलने वाला नहीं। ये युवराज और युवरानी की सरकार, ये बाप बेटा बहन की सरकार, लूट की सरकार, ये कुटुंब की लूट और 7 स्टार फार्म हाउस से ये सरकार चलाने का प्रयास अब कामयाब नहीं होगा।